नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग हम में। दोस्तों, आज हम पंचायत सचिव के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ खबर मेरे पास आई है, तो मैं सोचा वो खबर आपके साथ शेयर करूं। तो ये खबर जो है मेरे एक वन ऑफ माय फ्रेंड ने दिया है, सूत्र उसका नाम है, मैंने रखा है सूत्र। अब ये कितना ऑथेंटिक है और कितना नहीं ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन क्या खबर है वो पढ़ते हैं हम लोग। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आई होप कि ये विजिबल होगा आपके लिए। खबर है इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं हिंदी टंकन परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आयोग ने टंकन एवं कंप्यूटर चालन की परीक्षा सफलतापूर्वक करा ली है। इस परीक्षा के सीपीटी का मूल्यांकन हो चुका है। सीपीटी जो होना था, सीपीटी जो हमारा हुआ था, उसका मूल्यांकन हो चुका है। हिंदी टंकन का मूल्यांकन 26 जुलाई तक हो जाएगा। हिंदी टाइपिंग जो जिन्होंने किया है, हिंदी टाइपिंग, उसका जो मूल्यांकन कल 26 जुलाई तक डेट था, जो लिखा हो जाएगा, मतलब कल हो चुका होगा, अगर एज एक्सपेक्टेड जैसा कि लिखा हुआ उसके अनुसार। हिंदी टंकन का आधार जो है 2% लिया गया है। ध्यान रहे कि 2% त्रुटि 5 स्ट्रोक वर्ड काउंट के अनुसार मान्य है। इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रम निम्नलिखित है, क्या है, सॉरी, इस परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रम निम्नलिखित है। आयोग ने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स प्रक्रिया पूरी कर ली है। सारा कार्य पूरा कर लिया गया है। अल्प सूची भी तैयार कर ली गई है। आयोग ने 7,457 अभ्यर्थी की सूची मेधा क्रमानुसार तैयार कर लिया है, जिसमें से कंप्यूटर चालन और हिंदी टंकन में सफल अभ्यर्थियों को रख के बाकी को अल्प सूची से हटाया जाएगा। यानी जो मेधा जो जिन्होंने सीपीटी जो पास करेंगे उनको, और जो कंप्यूटर चालन और हिंदी टंकन में सफल होंगे उनको रख कर बाकी जो जो फेल होंगे उनको हटा दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या है, आयोग ने कागजी सत्यापन की प्रक्रिया के लिए टीम भी बना लिया है। उसके लिए उपयुक्त नोडल पदाधिकारी को भी चुन लिया गया है। कागजी सत्यापन प्रक्रिया के लिए अलग से आयोग की वेबसाइट पर सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कागज में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना है लेकर के, उसके लिए संभव है कागजी प्रक्रिया के लिए अगस्त के प्रथम सप्ताह में अल्प सूची जारी होगी। यानी अल्प सूची मतलब प्रथम सूची जारी हो सकती है फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज में जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका जिनका होना है उनके उनका जारी हो सकता है फर्स्ट फेज में। तो गेट रेडी। और नियुक्ति प्रक्रिया के तहत पहले प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसकी प्राथमिकता जो पहले होगी उसे, यानी प्राथमिकता मतलब जो प्रेफरेंस आपने दिया है, सच लाइक आपने जो पहले टाइपिंग दिया है या फिर पंचायत सचिव के लिए दिया, जो आपकी प्राथमिकता होगी उसके अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो जिसकी प्राथमिकता जो पहले होगी उसे लिखित परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन मार्क के अनुसार वह उस पोस्ट के लिए उपयुक्त होगा। इस प्रकार सारा पोस्ट पर, जितने भी पोस्ट है, प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति के बाद 7,457 में से सफल अभ्यर्थियों मेधा कर्म के अनुसार उसे वरीयता दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने आयोग पर आरोप लगाया है उनमें सच्चाई नगण्य मात्र है। उन सबों के आवेदन पर विचार अब नहीं किया जाएगा। बार बार आयोग कार्यालय आके प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग 3 साल प्रतिबंध करने के साथ उक्त परीक्षा के अभ्यर्थिता रद्द की जाएगी तथा उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। नोट, दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी कागजात सफल होने वाले अभ्यर्थी तैयार रखेंगे जो निम्नलिखित है, लिखित परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र सीपीटी, जो लिखित परीक्षा आपने दिया था, रिटर्न दिया था शुरुआत में, उसका मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड रखना है आपको, सीपीटी और टंकन के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया वो रखना है आपको, मैट्रिक का मार्कशीट रखना है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड भी रखना है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो मिला होगा वो भी रखना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र ये सभी रखना है आपको। इसके बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जिस जो आपने भरते वक्त आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसके बाद वो फॉर्म जो अप्लाई किया था, जो आपको रेसिडेंशियल मिला था आवासीय प्रमाण पत्र, वो आपको देना है। अगर आपने जाति प्रमाण पत्र आपने डाला है तो वो भी आपको देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, 5 फोटोकॉपी सबका,
तथा अन्य दस्तावेज जो आपके आवेदन की कसौटी को पूरा करते हैं, जैसे स्नातक के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, ये सब ऐसा कुछ पोस्ट था, ये मुझे मिला था, मेरे एक सूत्र ने दिया था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। और अगर ये बात सही है, सब कुछ पूरा कर लिया गया है, तो उनके अनुसार एक सप्ताह के अंदर जो है रिजल्ट पहली सूची आ जाएगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब कितनी सच्चाई है एक दो दिन में पता चल जाएगा, कुछ खबर तो आ ही जाएगी। तो दोस्तों बस ये वीडियो ही समाप्त करता हूँ। कैसा लगा बताइएगा जरूर, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, लगता है कि एक सप्ताह में आने का चांसेस है, बताइए अपना, शेयर कीजिए व्यू को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और थैंक यू फॉर सूत्र जिन्होंने ये न्यूज मुझे दिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।